So, good afternoon to all of you. Today we will discuss our new topic. आज हम हमारा नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या नाम है मेरे टॉपिक का? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता. क्या नाम है मेरे टॉपिक का हमारा? व्हाट्स द नेम ऑफ द टॉपिक? व्हाट वी विल डिस्कस टुडे बताइए. इंटरेक्टिव बनाएं क्लास को. आप लोग अगर साथ में मुझे रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आप लोगों को भी इंटरेक्शन बना रहेगा. तो बताइए क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस करेंगे आज हम? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन का. ओके, हम थोड़ा सा समझते हैं. हमने एक क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था, लेकिन जो लोग क्लास में पहली बार है उनके लिए हम थोड़ी सी चीजों को रिपीट कर रहे हैं और जो पहली बार थे उनके लिए भी एक रिविजन हो जाएगा. ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट को कि कंसेप्ट है क्या. ये देखिए, आप सबको पता है कि एक बिजनेसमैन और बिजनेसमैन एक व्यापारी क्या शुरू करता है बेटा? एक बिजनेसमैन क्या शुरू करता है बेटा? बिजनेस, व्यापार. व्यापार. एक बिजनेसमैन क्या शुरू करता है? बिजनेस शुरू करता है. क्लियर? और इस बिजनेस से उसे क्या मिलता है? इस बिजनेस से उसे क्या मिलता है बेटा? मनी, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट कि उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. चलिए अब हम थोड़ी सी एक बात पूछते हैं आपसे. चलिए आप लोग बताएंगे मुझे. हाँ भाई, तो सारे बच्चे माइक ऑन करके रिप्लाई करेंगे मुझे. सारे बच्चे माइक ऑन कर लेंगे. बताइए कि आपसे घर पे आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा खाना खा लिया क्या? क्या कहा आपकी मम्मी ने आपसे कि बेटा खाना खा लिया क्या? क्लियर? आपने जवाब दिया यस सर. यस सर. आपने जवाब दिया यस. पापा ने आके पूछा कि बेटा रोटी खा ली क्या? आपने तब भी जवाब दिया यस. आपसे किसी और ने पूछा हैव यू टेकन फूड, तब भी आपका जवाब यस है. क्या ये तीन लोग जो आपसे तीन चीजें अलग अलग पूछ रहे हैं, क्या ये वास्तव में अलग अलग है कि सेम चीज के बारे में पूछ रहे हैं आपसे? सेम चीज के बारे में. सेम चीज के बारे में पूछ. डिफरेंस क्या है? सिर्फ अलग अलग कि नाम अलग अलग ले. व्हाट्स द ओनली डिफरेंस? कि इसमें आपके आपसे जो नाम लिए गए हैं ना बेटा, वो नाम अलग अलग लिए गए. इसी तरह से आप ये बताइए ये बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट पर अधिकार किसका है? बताइए बेटा इस प्रॉफिट पर अधिकार किसका है? बिजनेसमैन का. किसका अधिकार है इस प्रॉफिट के ऊपर? बिजनेसमैन का. अब बिजनेसमैन ये कहे कि नहीं, मुझे तो सैलरी मिली है. क्या मिली है मुझे? सैलरी मिली है. मैंने पूरे साल बिजनेस के अंदर जो काम किया है उसके बदले मुझे क्या मिली है? सैलरी मिली है. कोई बात नहीं, सैलरी मिली है तो भी मिलेगा तो क्या उसको ये प्रॉफिट ही मिलेगा. प्रॉफिट. कोई आदमी क्या कह रहा है कि नहीं मुझे तो बोनस मिला है. कोई आदमी क्या कह रहा है कि नहीं मुझे तो कमीशन मिला है. कोई कह रहा है कि नहीं मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ना उसके ऊपर मुझे क्या मिला है? ब्याज मिला. सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी बातें अलग अलग हैं, सबका प्रारूप अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सबको चीज तो क्या मिलेगी? सबको मिलेगा केवल और केवल क्या? प्रॉफिट. बेसिकली बात profit. क्या है कि जब बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर होता है, कौन सा होता है बेटा? जब बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटर होता है तब उस नेट प्रॉफिट को किसी भी नाम से ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता.
अल्टीमेटली ये प्रॉफिट कहां पर ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है कैपिटल के अंदर। कहां पर ऐड हो रहा है बेटा, ये कैपिटल के अंदर इसको ऐड किया जाता है। क्लियर है यहां तक? डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। कंफर्म? डज एनीबडी हैज एनी डाउट? नो सर। देवांश कोई डाउट है बेटा? गौरी? माही? नो सर। माही? नो सर। ओके नो सर। शानू, तनिष्क, वर्तिका, शेर सिंह कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आगे, ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। लेकिन जब बात क्या होती है कि जब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती, क्या हो जाती है जब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, मतलब बिजनेस कौन सा हो गया? बिजनेस हो गया है बेटा पार्टनरशिप। क्या हो गया है? बिजनेस पार्टनरशिप का हो गया। पार्टनरशिप का मतलब हो गया यहां पर मोर देन वन ओनर, एक से ज्यादा स्वामी। क्या हो गया बेटा? एक से ज्यादा स्वामी व्यवसाय में शामिल हो गए हैं। अब जब मालिक एक से ज्यादा होंगे लेकिन बिजनेस तो एक ही है, तो बिजनेस का प्रॉफिट भी क्या होगा? एक ही होगा। जब ऑनर ज्यादा है तो जैसे हमने मान लिया एक पार्टनर, दो पार्टनर और पार्टनर नंबर तीन, तीन अलग अलग पार्टनर, तो इन तीनों की कैपिटल भी अलग होगी। कैपिटल नंबर वन, कैपिटल नंबर टू और कैपिटल नंबर तीन। चीज जब एक से ज्यादा मालिक होंगे तो उनकी पूंजी भी तो अलग अलग होगी ना बेटा, सबकी पूंजी भी अलग अलग होगी, मतलब जितने साझेदार उतनी ही पूंजी होगी या नहीं होगी बेटा? जितने पार्टनर उतनी ही कैपिटल होगा या नहीं होगा बेटा, बताइए? होगा। यस सर। जब बिजनेस कौन सा था? एकल स्वामित्व। जब बिजनेस कौन सा था? एकल स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, तब दिक्कत नहीं थी हमें, ये नहीं थी, एक ही स्वामी था और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जब मालिक एक था तो कैपिटल भी एक थी, और हमने उसी कैपिटल में इस प्रॉफिट को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई? यहाँ पर कैपिटल ऐसा है, तो इस प्रॉफिट को कौन सी कैपिटल में किस प्रकार जोड़ा जाए, ये बड़ी समस्या हो जाती है कि कौन सी कैपिटल में इस प्रॉफिट में से, मतलब कौन से साझेदार की पूंजी में इस लाभ का कितना हिस्सा जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने क्या आ जाती है बेटा, समस्या आ जाती है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स, यानी कि जब हम अंतिम खातों की बात करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स में, बताइए? P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। P&L अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और फिर P&L अकाउंट, P&L अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ये तीन चीजें सीखी है ना हमने, लेकिन जब समस्या ये वाली आ जाए कि पार्टनरशिप बिजनेस है, कौन से पार्टनर को, कौन से साझेदार को कितनी पूंजी दें, जब ये वाली समस्या हमारे सामने आ जाएगी तब हम क्या करेंगे बेटा, तब हम P&L अकाउंट के बाद दो अकाउंट और बनाएंगे। क्या करेंगे हम? P&L अकाउंट के बाद दो अकाउंट और बनाएंगे जिनका नाम है, एक तो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते और लाभानि नियोजन खाता। और हमें यही दोनों खाते बनाने सीखने हैं ताकि हम इस प्रॉफिट को क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्लियर? यस सर। चलिए तो डालिए बेटा, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे आप लोग, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। डालें सारे बच्चे हेडिंग, लिखना शुरू करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। सबने हेडिंग डाली है? यस सर।
सबने हेडिंग डाल लिया, सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे ताकि मुझे दिखता रहे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड शेर सिंह, देवांश वेरी गुड, गौरी माही, तनिष्क कैमरा ऑन करें अपना। चलिए लिखिए, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट the net profit this account is prepared to distribute the net profit among the partners this account is prepared to distribute the net profit among the partners yeh khata यह खाता साझेदारों के मध्य शुद्ध लाभ के वितरण हेतु यह खाता साझेदारों के मध्य शुद्ध लाभ के वितरण हेतु बनाया जाता है। यह खाता साझेदारों के मध्य शुद्ध लाभ के वितरण हेतु बनाया जाता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। इस खाते का निर्माण लाभानी खाते के बाद किया जाता है। इट इज अ नॉमिनल लाभानी खाते के लाभानी खाते के बाद किया जाता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र का खाता है। यह एक नाम मात्र का खाता है। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यह एक नाम मात्र का खाता है। लिख लिया बेटा सबने? शेर सिंह लिख लिया सर, वर्तिका, देवांश, गौरी, माही, तनिष्क? यस सर, यस सर, यस सर। तानु, दिनकर लिख लिया बेटा सबने? वेरी गुड। हेडिंग सम एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सम एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभानि नियोजन खाते संबंधी कुछ समायोजन, लाभानि नियोजन खाते संबंधी कुछ समायोजन। देखिए बेटा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं ध्यान दें। सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। सबसे पहला क्या लिखते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। दूसरा हम लिखते हैं
सैलरी यानी कि वेतन। तीसरा हम लिखते हैं कमीशन, फिर हम लिखते हैं बोनस एक दो तीन चार, एक हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आहरण पर ब्याज। ठीक है, एक हम लिखते हैं रिजर्व्स संचय, और अंत में लिखते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट्स शुद्ध वितरण योग्य लाभ। लिखते हैं बेटा डिविजिबल प्रॉफिट्स शुद्ध वितरण योग्य लाभ। अब देखिए मैं इसको सिर्फ एक तरफ कर देता हूं, बाकी सारी चीजों को हम एक तरफ कर देते हैं, मतलब नंबर एक से लेकर और नंबर छह तक की जो समायोजन है, कहां से लेकर एक से लेकर, कौन कौन से है बेटा? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेतन, कमीशन, कमीशन, बोनस, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन, ये सारे समायोजन केवल और केवल तब किए जाएंगे जब हमें इनके बारे में जानकारी कहां दे रखी हो, गिवन इन क्वेश्चन। अगर हमें प्रश्न में इनकी जानकारी दे रखी है ना, तो ही हम इनको क्या करते हैं, इन सारे समायोजनों को हम कंप्लीट करते हैं, वरना हम इनको कंप्लीट नहीं करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और ये इन सारे समायोजनों को कंप्लीट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्या कहलाता है बेटा? शुद्ध वितरण योग्य लाभ। क्या कहलाता है बेटा? वो शुद्ध वितरण योग्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट्स कहलाता। बात समझ में आ गई? अगली चीज कि ये सारे समायोजन केवल और केवल कायम से होंगे ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, केवल लाभों में से। अगर फर्म के पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है, उचित लाभ उपलब्ध नहीं है, तो चाहे साझेदारी संलेख में ये समायोजन एडजस्टमेंट्स दे रखे हो, लेकिन हम इनको कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं। क्या नहीं है हमारे पास? अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो इन एडजस्टमेंट्स को क्या किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो बताइए मुझे एक बार आप कि मैंने आपको आपको ध्यान हो तो इनके बारे में दो बातें कही थी मैंने आपसे, दो चीजें हो सकती है ये, किसी को याद है क्या 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 दो चीजें हो सकती है? बताइए। नहीं है यार, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था एप्रोप्रिएशन यानी नियोजन, और दूसरा कहा था चार्ज यानी प्रभार। प्रभार बताया था नहीं बताया था? तो हमें ध्यान क्या रखना है बेटा कि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स क्या है? नियोजन है, प्रभार या चार्ज नहीं। क्या ये सारे एडजस्टमेंट्स? एप्रोप्रिएशन है, नियोजन है, प्रभार या चार्ज नहीं है। जो बच्चे पहली बार क्लास में हैं वो एक बार सुन लें कि प्रभार या चार्ज का मतलब क्या है। प्रभार और चार्ज हम उस कंडीशन में कहते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो,
लेकिन आपको अगर उसे पे करना ही पड़ेगा, दैट मींस इट इज अ चार्ज, का मतलब कि वो प्रभार है। लेकिन एप्रोप्रिएशन होगा कि अगर प्रॉफिट है तो दे दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, दैट इज एप्रोप्रिएशन, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वर्तिका बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, यस सर। चलिए वेरी गुड। बाकी सारे बच्चों को, दिनकर लेट ज्वाइन हुए बेटा क्लास में आप? दिनकर आवाज आ रही है बेटा? देवांश, गौरी, माही, शेर सिंह, तनिष्क, यस सर। नहीं, बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। चलिए तो चलिए डालिए हेडिंग एंट्रीज रिलेटेड। हेडिंग डालो बेटा एंट्रीज रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्रीज रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन संबंधी जर्नल प्रविष्टियां। लाभानी नियोजन संबंधी जर्नल प्रविष्टियां, एंट्रीज रिलेटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभानी नियोजन संबंधी जर्नल प्रविष्टियां। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। चलिए तो एक बार आप समझेंगे और तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। लिखेंगे भी बोर्ड पर से तभी जब आपको बात समझ में आ जाएगी, नहीं अगर आपको बात समझ में आती है तो आप मुझसे कहेंगे और फिर मैं आपको वो चीज पहले समझाऊंगा, फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा? ओके। यस सर। चलिए सर, हम सबसे पहली एंट्री लिखते हैं for transferring of net profit, शुद्ध लाभ के हस्तांतरण की प्रविष्टि, शुद्ध लाभ के हस्तांतरण हेतु। बताइए मुझे बेटा कि नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के किस साइड में होता है? डेबिट। डेबिट साइड में। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर आपको किसी को याद है तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यस सर। शुद्ध लाभ को पूंजी खाते में ट्रांसफर करते थे ना बेटा? हाँ। तो मुझे बताइए शुद्ध लाभ को पूंजी खाते में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या थी हमारी? है याद किसी को? कोई बात नहीं, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बताइए एक बार ट्राई। बहुत बढ़िया। नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री याद है किसी को? कोई बात नहीं, ट्राई करो, गलती होगा, गलत से ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट ट्राई। पीएनएल अकाउंट डीआर टू। शाबाश। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया, शाबाश। एंट्री बताइए आपने मुझे ट्रांसफर करने की एंट्री आपने बताई मुझे पीएनएल अकाउंट को पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो कहां ट्रांसफर कर रहे थे? इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन अब पार्टनरशिप के केस में क्या इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या बेटा? पार्टनरशिप के केस में हम इसको कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा? पीएनएल अकाउंट। शाबाश। तो ये कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहते बेटा कोई बात समझ में आई या नहीं आई बेटा?
यस सर यस सर कोई भी दिक्कत है किसी को भर्ती का क्लियर बेटा ये बात यस सर ओके गौरी माही तनिष यस सर शेर सिंह यस सर बहुत चलिए अब ये मान लो अगर यहाँ पर कि शुद्ध लाभ की जगह क्या हो जाती शुद्ध हानि हो जाती क्या हो जाती बेटा शुद्ध लाभ की जगह शुद्ध हानि तो बताओ आप क्या एंट्री करते हैं अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पीएनएल अकाउंट क्या बात क्या एंट्री हो जाएगी हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल बहुत बढ़िया शाबाश उधार लीजिए बेटा बहुत सारे बच्चे उधारिए जल्दी से तो ध्यान रहे तो बहुत अच्छी तरह आप इस बात को समझे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लाभानि नियोजन खाते की शुरुआत किससे होती है शुद्ध लाभ से ऐसे होती है बेटा ये शुरुआत शुद्ध लाभ से ही होती है इसके सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि पीएनएल अकाउंट से लाभानी खाते से शुद्ध लाभ को उठाकर हमें कहां पर डालना है लाभानी नियोजन खाते में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकाउंट यस सर अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है बेटा ये तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं देखिए अगला काम अब हमने एडजस्टमेंट लिखे थे ना बेटा अरे लिखे थे कि नहीं लिखे थे कौन कौन से एडजस्टमेंट लिखे थे हमने बताइए सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा लिखा था बेटा हमने बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज ये लिखा था ना बेटा हमने चलिए बताइए मुझे अब इस पूंजी पर ब्याज की दो एंट्रियां होती है कितनी एंट्रियां होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रियां होती है पहली होगी फॉर अलाउड डे होने पर क्या एंट्री होगी ध्यान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंट्री होती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दूसरी एंट्री होती है और ट्रांसफरिंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन लाभानि नियोजन में हस्तांतरण हेतु और ये एंट्री क्या होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिख रहा है बेटा सबको दिख रहा है क्या सबको Yes, sir. तो एक बार इसको उतार लो मैं समझाता हूँ आपको अभी ये थोड़ी देर में कि ये बनी कैसे है तो कॉपी करें फटाफट